औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। डियर्स, आज हम जो है एक थोड़ा सा न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इन रोबस्ट मेथड्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि ये रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ये रोबस्ट मेथड्स होता क्या है। दरअसल पहले हम देखते हैं कि रोबस्ट के डिक्शनरी मीनिंग क्या होते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है। तो अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखना चाहें रोबस्ट के, तो उसका जो मायने आता है वो पावरफुल के आते हैं। किसके आते हैं? पावरफुल, यानी स्ट्रांग। डेफिनेटली हमारे पास वो मेथड जो स्ट्रांग मेथड्स होते हैं, ठीक है, यानी जो पावरफुल मेथड्स होते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दैट इज अनलाइकली टू बी ईजीली अफेक्टेड, इंजर्ड और डैमेज। यानी वो यहाँ पे हम मतलब लेंगे, यानी हमारे पास वो स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स जो आराम से इंजर्ड नहीं हो सकती, यानी जिसको आप आराम से डैमेज नहीं कर सकते। डेफिनेटली हम जो स्टेटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, हमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आ जाएं, थोड़ी सी हमारी एजम्पशंस अगर फुलफिल ना हो, तो डेफिनेटली हमारे लिए मसला जो होता है थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। फिर हम जो है वो संभल नहीं सकते कि हमने करना क्या। डेफिनेटली जो स्टेटिस्टिक्स है वो प्योरली जो है वो किस पर डिपेंड करती है? एजम्पशंस पर डिपेंड करती है। तो अगर आपकी एजम्पशंस जो है वो आपको नहीं मिल रही, फुलफिल नहीं होती, तो जारी बात है डेफिनेटली एक आम बंदा तो घबरा जाएगा, वो क्या करेगा। तो डेफिनेटली फिर ऑन द अदर हैंड हमारे पास ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए कि अगर लेट सपोज हमारी एजम्पशंस हमें रियलिटी में अगर नहीं मिलती, डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो आपको तो एजम्पशंस नहीं मिलेंगी ना। ठीक है, नहीं तो हमने किताबों में तो चलो ठीक है, किताबों में किताबी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप रूटीन लाइफ में डेटा जब आप कलेक्ट करते हो, ठीक है, किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम से रेलेवेंट, तो वहाँ पे आपको बमुश्किल ही एजम्पशंस जो है वो मिलेंगी। मिल गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली तो फिर आप क्या करोगे। तो वहाँ पे आपके पास ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए जो विदाउट एजम्पशन या किसी एजम्पशन के फेलियोर के होते हुए भी आपको जो है वो वर्कआउट करके दें। ठीक है, तो फिर उनको हम रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। चलिए आइए हल्का फुल्का जो है इसका जरा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, थोड़ा तारुफ कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है? The idea क्या प्रोवाइड करता है? The idea of outliers। ठीक है, यानी robust statistics का जो basic मकसद है वो ये है कि ये हमें outliers का idea प्रोवाइड करता है। अब ये outliers होता क्या है? Outliers are those points या those values या those observations in the data set। यानी हमारे data set में जो outliers होती हैं, ये वो values होती हैं, ये वो observations होती हैं that destroy the regular पैटर्न, जो हमारे रेगुलर पैटर्न को, हमारे सिस्टमेटिक पैटर्न को, हमारे रिदम को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देते हैं। नीचे एक एग्जांपल रखी हुई है मैंने न्यूमेरिकल, तो इसके मुताबिक हम कहते हैं कि वन सिंगल आउटलायर, अगर एक आउटलायर आपके डेटा में आ जाता है, इज इनफ टू ब्रेक द सिस्टमेटिक वे एंड मिसगाइड। एक सिंगल आउटलायर भी अगर आपके डेटा सेट में आ जाता है, तो ये आपके सिस्टमेटिक पैटर्न को, आपके नॉर्मेलिटी पैटर्न को ब्रेक करता है और आपको मिसगाइड कर सकता है, आपको मिसलीड कर सकता है, आपको डिट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, सो इट मस्ट बी ऑफ टेकिंग एक्शन, तो इसके खिलाफ जो है वो हमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो डेफिनेटली शुड बी टेक सम स्ट्रॉन्ग एक्शंस। या चलिए एक डेटा हम ले लेते हैं, लेट सपोज एक प्लेयर है, उसकी हम लास्ट 6 मैचेस का जो है वो स्कोर ले लेते हैं, तो हमें कुछ यू मिलता है, तो हम इसका अगर एवरेज लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 41 आ जाता है। क्या आता है? देखिए, हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मैं आपको जरा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो है आपको लेकर आना पड़ेगा। हम वहां पे पढ़ते हैं कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है। एक्सट्रीम वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो काफी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो उससे आपका जो अरिथमेटिक मीन है वो बड़ी बुरी तरह क्या होता है? अफेक्ट होता है। तो डेफिनेटली आप देख लें कि 194 यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है जो बाकी वैल्यू से काफी बड़ी आ रही है, तो आपके पैटर्न को यह क्या कर रही है? डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, इसकी वजह से आपको जो अरिथमेटिक मीन है ये बहुत बुरी तरह क्या होता है? अफेक्ट होता है। यानी अरिथमेटिक मीन में इतनी सलाहियत, इतनी कैपेबिलिटी जो है, इसमें इतना जो है पोटेंशियल नहीं है कि ये एक सिंगल आउटलायर को क्या कर सके? टॉलरेट कर सके, बर्दाश्त कर सके। अरिथमेटिक मीन का जो ब्रेकडाउन पॉइंट है, यानी ब्रेकडाउन पॉइंट अभी ऐसा टर्म है जो रोबस्ट स्टैटिस्टिक में इस्तेमाल होता है, और इसका तर्जुमा यह है कि कितनी सलाहियत है कि कितने आउटलायर्स को ये कंट्रोल कर सकता है, तो जो ब्रेकडाउन पॉइंट होता है अरिथमेटिक मीन का वो बिल्कुल जीरो होता है। तो इसके बरक्स अगर हम
मीडियन इस्तेमाल कर लें। तो मीडियन का नोटेशन क्या होता है, एक्स कर्व, ठीक है। तो इस डेटा का जो मीडियन है वो क्या आ रहा है, वो 12 आ रहा है, ठीक है। तो जो मीडियन है दरअसल इसका जो ब्रेकडाउन पॉइंट होता है वो 50% होता है, मतलब ये जो कि मैक्सिमम ब्रेकडाउन पॉइंट है किसी भी एस्टिमेटर्स का, मतलब अगर डेटा में 50% आउटलायर्स आ जाएं या 50% एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएं तो फिर भी जो है वो मीडियन जो है उसमें इतनी सलाहियत है कि वो एक अच्छा एस्टिमेट जो है वो आपको प्रोवाइड करके देता है। तो देखिए मीन इस डेटा का हमारे पास क्या आ रहा है, 41 आ रहा है, जो इस डेटा की सही तरीके से तर्जुमानी नहीं कर पा रहा, ठीक है। 41 जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये इसकी वजह से जो है वो क्या हो रहा है, हमारा डेटा अफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा जो मीडियन है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मीडियन जो है हमारा एक रोबस्ट मेथड है, यानी एक्स बार जो है ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन ये रोबस्ट मेथड नहीं है। अगर आउटलायर्स आ जाएं तो इसका ये क्या होता है, अफेक्ट होता है, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने खातिर ख्वाह नहीं होते। अगर आपके डेटा में आउटलायर आ जाता है और आपको एवरेज फाइंड करनी है तो मीडियन विल बी द रोबस्ट एंड मोस्ट प्रेफरेबल मेथड्स इन सच सिचुएशन। अच्छा जी, रोबस्ट मेथड्स या रोबस्ट एस्टिमेटर्स क्या होते हैं, तो ये वो एस्टिमेटर्स होते हैं या वो मेथड्स होते हैं विच आर नॉट अफेक्टेड या अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। यानी वो एस्टिमेटर्स, वो मेथड्स जो आउटलायर की एग्जिस्टेंस के बावजूद जो है वो अफेक्ट नहीं होते। और हम क्या एक्सट्रीम वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, हम इसको आउटलायर्स के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी ऑब्जर्वेशन जो नॉर्मल पैटर्न से जरा हटकर जो है वो लाए करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि आउटलायर्स होते क्या हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इसका बैकग्राउंड्स पढ़ेंगे, विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जिससे खासा जो है ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में जो है इंशाल्लाह जगह बना लेगा, ठीक है। तो एक और डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं बड़ी आसान भाषा में, दोस एस्टिमेटर्स यानी वो एस्टिमेटर्स विच वैलिडिटी which validity is not affected if their assumptions are failed. अगर assumptions failed भी हो जाती हैं तो फिर भी उसकी जो validity है वो affect नहीं होती। तो हर estimator तो ऐसा estimator नहीं होता, लेकिन कुछ estimator तो ऐसे estimators होंगे कि जिनकी assumptions जो है वो fail हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी validity है वो क्या है, बरकरार है। तो उन estimators को फिर हम क्या कहते हैं, रोबस्ट एस्टिमेटर जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब देखें एक मोटी सी मिसाल है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है ना हमारे पास, ये एक रोबस्ट एस्टिमेटर है। जब आपके पास नॉर्मल की एजम्पशन जो है वो मिस हो जाती हैं, जब डेटा नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करता, तो हम कहते हैं कि अगर यहाँ से सैंपल साइज जो है अगर आप 30 से अबव ले लें तो फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली फिर आपको जो डेटा है वो नॉर्मेलिटी को फॉलो करेगा। ये एजम्पशन है, नॉर्मेलिटी एजम्पशन नहीं मिलती तो हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी हमारे पास एक रोबस्ट मेथड है, ठीक है। अच्छा, ये जो रोबस्ट मेथड्स हम पढ़ते हैं, इसका मेन अचीवमेंट इसकी क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव प्राइम जो है इसका मोटो क्या है, तो ये पढ़ लेते हैं। द एम ऑफ रोबस्ट अप्रोच इज टू इंश्योर, यानी इस बात का यकीन दिलाना, टू इंश्योर हाई स्टेबिलिटी, हाई क्या आ गया, हाई स्टेबिलिटी ऑफ स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस। डेफिनेटली जब आप स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस बनाएंगे तो आपको हाई स्टेबिलिटी दरकार होगी। तो रोबस्ट अप्रोच आपको क्या प्रोवाइड करती है, यानी इस बात की गारंटी देती है कि आपके जो स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंसेज हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बेहतरीन होगी, अंडर द वायलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी और डिस्ट्रीब्यूशनल एजम्पशंस। यानी जब आपकी नॉर्मेलिटी की एजम्पशन जब मेट नहीं करती या आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशनल की जो एजम्पशंस है वो नहीं मिलती, तो उस कंडीशंस के होते हुए डेफिनेटली वायलेशन तो हो रही है, तो इस वायलेशन के होते हुए आपकी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की स्टेबिलिटी क्या करती है, इंश्योर करती है। तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, आसान अल्फाज में रोबस्ट अप्रोच के नाम से जानते हैं। दिस इज